हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज इस वीडियो में मैं रिव्यू करूंगी बायोटिक बोटानिकल्स की बायो कोकोनट ब्राइटनिंग एंड व्हाइटनिंग क्रीम। ये क्रीम मैंने बायोटिक बोटानिकल्स के विंटर केयर हॉल में रिसीव की थी, और जिस दिन मैंने उस वीडियो को शूट किया था, यानी कि अपलोड से भी पहले, मैंने उसी दिन से इस क्रीम को यूसेज में निकाल लिया था। तो ठीक है, फिर मैं आपको फटाफट से बता देती हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस इस क्रीम के साथ कैसा रहा। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं इस क्रीम की पैकेजिंग के बारे में। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये लाइट पिंक और ग्रीन कलर के कार्डबोर्ड बॉक्स में पैक है। जब आप इस कार्डबोर्ड बॉक्स को खोलेंगे तो आप देखेंगे कि एक ग्रीन और वाइट कलर के कॉम्बिनेशन में एक टब है। टब का साइज काफी अच्छा बड़ा है। जब आप इस ग्रीन कलर के ढक्कन को, इस स्क्रू को आप खोलते हैं तो एक व्हाइट कलर का यहाँ लिड मिलेगा, जो मेक श्योर करता है कि आपकी जो क्रीम है इस टब के अंदर वो सेफ रहे। इसकी पैकेजिंग बहुत अच्छी है और आप आसानी से इसको पर्स वर्स में ले जा सकते हैं। लाइक मेरी बहुत आदत है क्रीम्स वगैरह कैरी करने की, क्योंकि मैं अपनी स्किन को 2 से 3 बार मॉइस्चराइज करती हूँ दिन में। ये तो मैंने आपको दिखाने के लिए सेव किया हुआ था, अदरवाइज ये मैंने साइड में रखा हुआ है और मैं सिर्फ इसको इस तरह से रख के यूज करती हूँ। पैकेजिंग के बाद हम बात करते हैं इस क्रीम के इंग्रेडिएंट्स क्या है। ये 100% ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है और मैं बताती हूँ, इसमें नारियल ऑयल यूज किया गया है, दूधल रूट, दुग्ध पाउडर विच इज लाइक मिल्क पाउडर, मंजिस्टा रूट, नींबू लीफ, बादाम ऑयल एंड क्रीम बेस इसमें यूज किया गया है। और ये क्रीम में कोई ब्लीचिंग एजेंट कुछ भी ऐसा नहीं है। तो एज अ वाइटनिंग क्रीम, अगर कोई नेचुरल वाइटनिंग क्रीम है तो बहुत अच्छा प्रोडक्ट होता है ऐसा स्किन के लिए। इंग्रेडिएंट वाइज आई एम वेरी हैप्पी विद दिस क्रीम, बिकॉज नारियल और मिल्क दोनों ही ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो नेचुरली आपकी स्किन को अंदर से क्लियर करने के लिए बहुत इफेक्टिव होते हैं। इस क्रीम की सबसे खास बात यह है कि ये क्रीम हर तरह की स्किन पे यूज हो सकती है। मेरी सिस्टर है जो मेरे साथ रहती है, उसकी बेहद ड्राई स्किन है और मेरी ऑयली स्किन है। हम दोनों ही इस क्रीम को यूज कर रहे हैं, तो हमें लाइक अलग अलग क्रीम्स खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती। और जैसा कि हम लोग जैसे एक साथ रहते हैं, तो आप समझते हैं कि दोनों बहनें यू नो एक ही चीज शेयर कर लेती है, बार बार अलग अलग चीजें खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती। तो इट इज बेनिफिशियल फॉर अस। हम दोनों जब भी कोई क्रीम चूज करते हैं, हमारी दो ही एक्सपेक्टेशन होती है। नंबर वन, कि एक तो वो ग्रीसी लुक ना दे, नंबर सेकंड कि वो एक हल्का सा बेस जैसा कुछ प्रोवाइड करे आपके चेहरे को, ताकि एवरीडे लुक भी हमारा अच्छा लगे। तो मेरी आदत है, मैं जब भी ना धोकर बाहर आती हूँ मैं तभी क्रीम लगाती हूँ, क्योंकि मैं नहाने के साथ साथ ही फेस वॉश यूज करके अपना फेस वॉश करती हूँ। और डैम्प फेस पे क्रीम लगाने का फायदा ये होता है कि लंबे समय तक आपका जो चेहरा है वो मॉइस्चराइज रहेगा। अगर आपने ऐसा कभी नहीं ट्राई किया तो आप ट्राई करके देखिए। आप कभी एकदम ड्राई स्किन पे क्रीम लगाइए और कभी एकदम नहाने धोने के बाद थोड़ा चेहरा सूखा हल्का सा ही बस यू नो वाइप करने के बाद फिर आप क्रीम लगाइए, फर्क देखिएगा, आपको खुद डिफरेंस महसूस होगा। तो मैं हमेशा नहाने धोने के बाद लगाती हूँ, तो मेरे को ज़्यादा क्रीम नहीं चाहिए होती, मैं बिल्कुल इतनी सी निकालती हूँ और पूरे चेहरे पे डॉट करके अच्छे से स्प्रेड करके लगाती हूँ। ये क्रीम बहुत जल्दी स्प्रेड हो जाती है और बहुत अच्छे से आपकी स्किन में अब्सॉर्ब हो जाती है, 2 मिनट भी नहीं लगते हैं। मैं अच्छे से अपने चेहरे को धीरे धीरे सर्कुलर मोशन में मसाज करके इसको नरिश कर लेती हूँ, मॉइस्चराइज कर लेती हूँ। ये क्रीम कुछ नहीं तो 5 से 6 घंटे मेरी स्किन को बहुत अच्छा रखती है। इनफैक्ट अगर मैं किसी विंडी एरिया में जाऊँ जहाँ पर धूल मिट्टी भी उड़ रही है, तो 2 घंटे 2.5 घंटे कहीं नहीं जाती। हाँ, बस ये हल्का सा एक बेस जैसा कुछ प्रोवाइड करती है, लाइक चेहरा ना एकदम से लगाते खिल जाता है इस क्रीम को लगाने के बाद। और मैं और मेरी सिस्टर, लाइक उसकी ड्राई स्किन है, मेरी ऑयली स्किन है, हम दोनों बहुत ज्यादा खुश है इस क्रीम से। मुझे वो क्रीम्स बिल्कुल अच्छी नहीं लगती जिसके अंदर वो ब्लीचिंग एजेंट होता है। ये नेचुरल वाइटनिंग क्रीम है और मुझे वाइटनिंग क्रीम से पर्सनली उतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वाइटनिंग क्रीम का मतलब ये नहीं है, व्हेन आई एम सेइंग कि मैं ये मुझे प्रॉब्लम नहीं है, मतलब मुझे खुद से लगाने से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं इस चीज़ में कोई बिलीव नहीं करती हूँ कि आपको गोरा या बहुत वाइट स्किन जैसा कुछ होना ही चाहिए। पर हाँ, अगर आप कोई क्रीम या कोई प्रोडक्ट आपकी स्किन को अच्छा बना सकता है तो उसको यूज़ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस क्रीम में सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए गए हैं जो हमारी स्किन को अच्छा रखने में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। इसमें कोई ब्लीचिंग एजेंट या कुछ भी नहीं है, और मतलब आप फील करेंगे कि 10-15 दिन के बाद यूज़ करने पे आपके छोटे छोटे जो मार्क्स हैं इनफैक्ट वो भी बहुत लाइट हो जाते हैं। लाइक थोड़ी बहुत अगर पिगमेंटेशन है, वो मार्क्स भी आपको थोड़े थोड़े स्पॉट्स हैं वो सब लाइट लगने लगेंगे और आपकी स्किन एकदम इवन टोन पे आ जाएगी। ये चीज़ लाइक इन्होंने ऐसा कुछ क्लेम नहीं किया, लेकिन इस क्रीम ने वो काम भी कर दिखाया है। ये 50 ग्राम क्रीम है सिर्फ और सिर्फ 199 रुपीज में, प्रोवाइडेड दिस इज 100% ऑर्गेनिक प्रोडक्ट। प्रोडक्ट की कीमत जो है बहुत ज़्यादा नहीं है और इट इज़ वेरी अफोर्डेबल।
आप स्किन के लिए हजारों रुपए स्पेंड करती हैं अगर इस तरह का कोई एक प्रोडक्ट आप यूज़ करें और जो आपकी स्किन को नेचुरली रेगुलर यूज से अच्छा बना सकता है, तो मुझे नहीं लगता कि उस प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करने में कोई भी बुराई है। सो फाइनली आई एम समिंग अप द रिव्यू। ये क्रीम 100% नेचुरल है, इसमें नारियल, आमंड ऑयल और दूध जैसे तत्व यूज किए गए हैं। ये क्रीम की पैकेजिंग बहुत अच्छी है, ट्रैवल फ्रेंडली टब है, आप इसको बिना कार्डबोर्ड बॉक्स के भी एज इट इज इसको आप अपने ट्रैवल बैग में रख सकते हैं, पर्स में रख सकते हैं, ऑफिस में यूज कर सकते हैं। ये क्रीम जो है आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगी। आप कम से कम 15 से 20 दिन इसको यूज करिए, तब आपको फर्क लगेगा। अगर आप चाहते हैं कि 2 दिन में रिजल्ट आए, इस तरह की क्रीम थोड़ा टाइम लेती है क्योंकि जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें ब्लीचिंग एजेंट नहीं होते। मोस्टली क्रीम्स जो आपको इंस्टेंट फेयरनेस देती है उनमें इस तरह का कोई केमिकल यूज किया जाता है तभी वो आपको इंस्टेंट फेयरनेस देता है, तो आपको थोड़ा सा इसके साथ पेशेंस रखना पड़ेगा। सबसे अच्छी बात यह है कि ये क्रीम हर तरह की स्किन पर यूज हो सकती है, तो अगर आपकी फैमिली में भी मल्टीपल टाइप ऑफ स्किन पीपल है तो बहुत अच्छी चीज़ है। आपको भी अलग से इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जैसे कि मैंने भी अलग से कुछ इन्वेस्ट नहीं किया, हम दोनों बहने एक ही क्रीम यूज कर रही हैं। ये क्रीम नॉन ग्रीसी क्रीम है और आपके स्किन को बेस जैसा कुछ भी प्रोवाइड करता है, तो ये क्रीम स्किन के लिए बहुत अच्छी है। ओवरऑल मैं इस क्रीम को रेटिंग दूंगी 5 out of 5। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं आपसे यहीं मिलूंगी अपने अगले वीडियो के साथ। सो टिल देन टेक केयर, बाय।